अस्सलाम वालेकुम भाई शेर सदीक आपकी खिदमत में हाजिर है, नहीं सॉरी यासर राजा आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों आज के व्लॉग को आप समझ गए होंगे, हम आए हैं स्केगनेस बीच के ऊपर और आपको ये ऐसी चीज़ें जो हम ये सारा गर्मियों का मौसम सर्विस जैसे मैं समर में सब ये आपको बहुत ही खूबसूरत जगह जो है वो हम दिखाएंगे आपको यूके की, जहाँ पे आपको भी मज़ा आएगा इंशाल्लाह, आप इसको एंजॉय करेंगे। लेकिन उसकी निशर्त यह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जो है वो लाजमी कर लें ताकि जो वीडियो हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन वगैरह भी आपको मिलता रहे। कुछ भी आपका नहीं जाएगा, सिर्फ सब्सक्राइब का बटन दबाएँ और साथ जो घंटी है उसके लाजमी प्रेस करना है आपने। इंशाल्लाह ऐसी वीडियो मैं कोशिश करूँगा कि आपको बना के दिखाऊँ। तो चले हम स्टार्टिंग से चलते हैं, आपको दिखाते हैं ये सफ़र कैसा रहा और उसके बाद यहाँ पर दोबारा वापस आपको लेके आएंगे। चलो यूसुफ बेटा सफर की दुआ पढ़ो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाकअल्लाह। दोस्तों हमारा सफ़र जो है वो जारी है, कोई इंटरेस्टिंग जगह अभी तक तो नहीं आई है, लेकिन अभी जो है हम जा रहे हैं ईस्ट मिडलैंड एयरपोर्ट की तरफ। वहाँ से A453 हम पकड़ेंगे, नॉटिंघम से निकल के उस रास्ते पे हमने जाना है। तो मिडलैंड से जाने का रास्ता ये वाला है। तो कोई भी चीज़ आती है तो ज़रूर दिखाऊंगा आपको, लेकिन अभी तक कुछ इंटरेस्टिंग आया नहीं है। वो सामने हो सकता है आपको जो पट्टे से नज़र आ रहे हैं, वो पट्टे ना वो बिजली घर है, अगर उसके पास से गुजरे तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि वो भी दिखाता हुआ लेके जाऊँ। ये देखिए जी, ये सामने जो पट्टे आपको जैसे वादा किया था उसके मुताबिक ये पट्टे 1 2 3 4 5 6 पट्टे हैं जी। ये बिजली घर है, बहुत ज़्यादा यहाँ से धुआँ निकलता है। जब गवर्नमेंट कहती है जी कि हमने धुआँ जो है उसको कम करना है, तो ये इसकी बहुत उमदा मिसाल है। कहते हैं कुछ और है और करते कुछ और है। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, सब जगहों पे यही होता है कि सियासतदान सिर्फ अपनी जेब में भरते हैं, बाकी और किसी की परवाह नहीं है। ये पट्टे अगर किसी दिन ऑपरेटिव हुए ना, तो उस दिन में हर वक्त नहीं चल रहे होते, जिस दिन चल रहे हुए उस दिन मैं आपको आगे करीब से दिखाने की कोशिश करूँगा। जितना धुआँ ये निकलता है आप हैरान होंगे उसको देख के। तो यहाँ पे जनाब बिजली पैदा होती है, ये बिजली घर है, ये नाम भी शायद इसका लिखा हुआ है ईस्ट मिडलैंड पार्क वे। इधर ट्रेन स्टेशन है, इसके लिए स्पेशल इसके वर्कर्स हैं, उनके लिए स्पेशल यहाँ पे ट्रेन स्टेशन बनाया गया है। बहुत सी जगहों पे ये बंद कर दिए गए, कुछ जगहों पे हैं मैं आपको वो भी दिखाऊँगा। बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है इसका, वो कुछ देर में कोशिश करूँगा कि आपको एक और जगह पर भी है हमारे इलाके में वो भी दिखाने की कोशिश करूँगा इसको। यहाँ पे आगे जो है ये ग्रिड स्टेशन जो है वो भी आएगा, आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखते जाए। ये सामने देखें, ये जो यहाँ पे बड़े बड़े खंभे लगे हुए हैं, ये सारा जी ग्रिड स्टेशन है, यहाँ से सारी बिजली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है इधर उधर। चला जी बिजली घर का बहुत हुआ और आगे चलेंगे और आगे देखेंगे कि आगे क्या आता है। आगे कोई चीज़ आती है तो वो भी आपको दिखाते जाएंगे। ये देखें जी चाय का कप जो है वो साथ है, और चाय के बगैर तो मज़ा नहीं आता, इसलिए चाय जो है वो साथ पीते पीते जाएंगे। वैसे तो डिस्पोजेबल कप होता है, लेकिन आज ये स्पेशल ट्रीट दिया अपने आप को और ये कप ले गए हैं। वाह 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 क्या बात है, सौंफ वाली चाय जी, मज़ा ही आ गया। और इसके अंदर जो है वो मलाई मार के लाया हूँ मैं, बोतल पूरी बना के लाया हूँ और सारा दिन चाय पीनी है मैंने। ये देखें जी वर्स्ट नाइटमेयर फॉर अ ड्राइवर कि आप ट्रैफिक में जो है वो फंसे हैं, शदीद किस्म की ट्रैफिक है, लगता है सब लोग ही जो है वो उस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे कोई पॉसिबल रीज़न और नज़र नहीं आ रही है, तो मेरे ख्याल में तकरीबन ये जो ट्रैफिक अभी शुरू हो गई है, समय लेंगे आधा घंटा एक घंटा हमारा फालतू जो है वो लगेगा। तो उम्मीद करते हैं जी हो सकता है ये क्लियर हो जाए जल्दी। आफ्टर ऑल जी 10 मिनट जो है वो हमें फालतू लगे ट्रैफिक में, और वहाँ से निकल आए हम। हाथी को सलाह दिया हमने, ये रेप हाथी है, इसको सलाह दिया डैशबोर्ड के ऊपर, धूप का मज़े ले रहे हैं। तो फ़ोन मुझे जो है वो वहाँ से उतारना पड़ गया चार्जर में से, क्योंकि ओवर हीट हो गया था। तो अभी जो है वो रेप साहब से कहते हैं कि वो वीडियो बनाते रहे।
मर गया वो बंदा, बहुत तबला है इसका, बंदबस कर दे आगे जाके। ठीक है ये देखो ये वो कितनी जबरदस्त यार खेत खेतों में हाल चलाया हुआ है। पिछली दफा जब हम आए थे यहाँ पे कुछ चीज को फसल थी ना, लेकिन अभी मेरे ख्याल में उस पिछली दफा लेट आए थे, इस दफा जल्दी आए थे। सरसों का कितना बड़ा खेत है, ये जैसे पाकिस्तान में जाते हैं मरबों पे बड़े बड़े खेत होते हैं वहाँ पे, वही समझ आएगी वही हिसाब है। आगे एक एरिया शुरू होगा जहाँ पे बिल्कुल ये फेंसिंग वगैरह नहीं होगी, वो सही जनाब पेंडू स्टाइल लगता है पाकिस्तानी, तो वहाँ पे मज़ा आएगा वीडियो बनाने का। यहाँ पे फेंस आगे आ जाती है और आपको जो सही खूबसूरती है वो नज़र नहीं आती। जो खेत है सारे इनकी खासियत यह है कि मुझे बिल्कुल ये पाकिस्तान की फीलिंग देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई साइड पे फेंस नहीं लगी हुई। वैसे आप जिस सड़क पे भी जाते हैं वहाँ पे फेंसें लगी होती है साइड पे, लेकिन यहाँ पे कोई फेंस आपको नजर नहीं आएगी। बिल्कुल खुला मुखुला खेतों के दरमियान में घर बने हुए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त है। ये देखें ये कोई सर्कस लगी हुई यहाँ पे, थोड़ा सा टेंट नजर आ रहा है उसका। ये जी हम स्केगनेस का जो सिटी है उसके अंदर दाखिल हो गए हैं। ये हमारे राइट हैंड साइड पे ये चर्च है शायद, ये बहुत पुराने किस्म का। वो सामने देखें जी वो दुकानें वगैरह जो बीच के साथ साथ हैं वो हैं। अभी पार्किंग ढूंढना यहाँ पे एक मिशन होगा। ये देखें जी सारी ये सर्कस लगी हुई है, झूले वगैरह सारा कुछ, लेकिन पार्किंग की सूरत हाल मुझे कुछ अच्छी नज़र प्रॉमिसिंग नज़र नहीं आ रही है। वो देखे सामने राइट चल रही है, आपको दिखाएंगे करीब से भी। बंदे इतने ज़्यादा यहाँ पे तो नहीं है, शायद आगे जाएं जब बीच के ऊपर तो वहाँ पे ज़्यादा रश हो। ओके ओके वी आर गोइंग राइट राइट, यू कैन जस्ट शिफ्ट अप। ये देखे काफ़ी इंतज़ार के बाद ये भाई साहब इनका इंतज़ार कर रहे थे, ये गाड़ी इन्होंने निकाली है, तो इंशाल्लाह हमें भी जगह मिल जाएगी यहाँ पर। बड़ी मेहरबानी सर। ये जी पार्किंग होगी यहाँ पे, अभी चलते हैं और उधर पार्किंग के लिए पे करते हैं जी, और देखते हैं उसकी क्या प्राइसेस वगैरह हैं। पार्किंग बहुत मुश्किल से मिलती है यहाँ पे जब रश के दिन होते हैं। तो ये जी यहाँ पे अभी डालते हैं कॉइन, कार्ड के साथ ही आप पे कर सकते हैं, और कॉइन के साथ ही 3 घंटे की पार्किंग जो है यहाँ से बाय करने लगा हूँ। 3 घंटे जो है वो 3 पाउंड के हैं, अगर आपने ज़्यादा दे रहे हैं ना तो फिर चलो यार ओके 14। ये देखिए जी पार्किंग हमने बाय कर ली है, 443 तक पार्किंग हमारी जो है वो पार्क कर सकते हैं, अगर उसके बाद की तो फाइन भी हो सकता है। ये देख लें जी फर्स्ट व्यू जो है वो समंदर का, लोग लगे हुए अपने अपने शुगर में, इसे टेंट लगाया हुआ है कोई चल कर रहा है, वो समय देखे वो विंड टरबाइन है ये जी पैदा हो रही है। सतह जब वो थोड़ी ऊँची है, पिछली दफ़ा जब हम आए थे तो काफ़ी दूर था पड़ी, यहाँ से जी ऊपर चढ़ते हैं। सही ये जो
घास है, सही पाकिस्तानी फील इसके अंदर आ रही है। जैसे वो पानी के अंदर जैसे नहीं होती, उसको अपने पटवारी में कुंदल कहते हैं, तो उर्दू में पता नहीं इसको क्या कहते हैं, उसी खुशबू जो वो आ रही है। यहाँ से नीचे उतरते हैं, देखते हैं आप रेत में जो पाँव है वो दसे जा रहे हैं। यहाँ पे कहीं डेरा डालने की कोशिश करते हैं, देखें कुछ साहबान जो है वो रंग काला करने के लिए सारा दिन जो है वो इधर लेटे रहेंगे, सिर्फ रंग काला करने के लिए, और कोई काम नहीं होगा। चले जी आगे चल के जाते हैं, यहाँ पे कुछ जगह ऐसी ढूंढते हैं जहाँ पे रश कम हो। यहाँ पे पीछे जो है वो रश बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पे प्राइवेसी जो है वो नहीं रहती। जहाँ पे ज़्यादा बंदे हो वहाँ पे समझदार हैं आप, नहावला वाला कुआ था पढ़ के गुजारा करना पड़ता है। तो जगह की तलाश में जो है वो काफ़ी आगे चलते हैं। ये पीछे जो जगह है वो देखें, वहाँ पे बंदे बहुत ज़्यादा इकट्ठे हुए हुए हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो रश है। पानी के अंदर चलते हैं, जन्नत जो है वो रेत के ऊपर खड़ी नहीं हो रही है, डर लग रहा जी बता जी क्या बात है। वो देखो पानी में चलते रहे, कितने मज़े का है। वाओ लुक एट दिस, वाओ। अभी देखते हैं पानी का इसका क्या इंप्रेशन है पानी के अंदर जाने का। वाओ वो वाह, यहाँ पे एहतियात करनी पड़ेगी, फोन ही ना गिर जाए इसके अंदर। ओए होए हो, नहीं नहीं आपको नहीं करा चलेंगे, नहीं करा चलेंगे भाई। ये सब ज़्यादा आगे नहीं जाना पुत्र, आई कांट स्विम सो यू बेटर बी केयरफुल। ओके बहुत ज़बरदस्त मौसम है, ना बहुत ज़्यादा कड़क धूप है और ना ठंड है, जस्ट परफेक्ट। पानी जो है ये दूर से गदला गदला नज़र आता है, लेकिन इतना गदला है नहीं, क्योंकि रेत की वजह से इसका कलर जो है ना वो नीचे चेंज हो जाता है। वो लड़का आगे खड़ा है पानी में, उसे हो सकता है स्विमिंग आती हो। ये हजरात भी खड़े हैं लेकिन मुझे स्विमिंग नहीं आती, इसलिए मैं पंगा नहीं ले रहा। वो देखें सामने ये विंड टरबाइन है बिजली पैदा करने वाले। भाई साहब क्या कर रहे हैं, क्या प्लाट कर रहे हैं आप? मैंने एक होल बनाया था, वो कहीं चला गया। बेटा रेत पे घर बनाना, नाम लिखना, ये बड़ों के काम आते हैं, आप अभी ये काम नहीं करो। रेत वाले घर और रेत वाले नाम जो है वो ज़्यादा देर कायम नहीं रहते, ठीक है। वो देखिए जी बच्चा ये नहा रहा है पानी में, मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही। ये इसके वालदैन भी शायद बहुत बेवकूफ़ हैं कि उन्होंने बच्चे को अकेला छोड़ा हुआ, कोई पता नहीं होता नेचर जो है वो कब बंदे को पकड़ती आ गए। तो आप जो है वो अगर आते हैं यहाँ पे तो बच्चों को अकेले जो है वो मत छोड़ो। ये क्या पकड़ा है? ट्रैप पकड़ा है, ये मरा हुआ है बेचारा, सूख गया, इसके अंदर कुछ भी नहीं रहा है, पकाना है इसको, घर ले चलो। क्या ख्याल है दोस्तों, लहरों के साथ चलने का अपना ही मज़ा है। पाकिस्तान में जब थे तो वहाँ पे तो कोई बीच नहीं था हमारे पास, यहाँ पे भी पास तो कोई नहीं है, खैर बहुत दूर है, 4 घंटे हमें लगे यहाँ पे पहुँचते हुए। तो लेकिन रेत पे चलने का जो मज़ा है ना वो कुछ और ही है। जब पानी आके टकराता है पाँव के साथ और रेत जो है वो आपके पाँव रेत में धंस रहे होते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है उसका। जोहर का टाइम जो है वो भी हो गया, तो मैं तो वज़ू करने लगा हूँ इसी पानी के साथ। मेरे ख्याल में तो समंदर के पानी पाक होता है, वज़ू हो जाता है उससे, करते हैं सिर्फ नफल पढ़ते हैं, क्योंकि हम इतने फासले पे आए कि हमारी जो है वो कसर नमाज हो गई।
तो उल्लू तो हमने कर लिया, लेकिन तो बताऊँ कि पानी बहुत नमकीन है, तो इसमें उल्ली जो है वो एक ही दफ़ा मैंने की है, बहुत खारा पानी था, तो मैं दो फर्श पाल लूँ उसके बाद फिर दोबारा आपसे मिलेंगे। क्या बात है यूसुफ, क्या मिला है? तो बच्चे मेरे जनाब ट्रेजर की तलाश में, लेकिन इनको सीपियाँ मिल रही हैं सिर्फ। ये जी खाना लग चुका है और भूख बहुत ज़बरदस्त लगी हुई है, सुबह नाश्ता भी करके नहीं आए, तो चाय भी पड़ी हुई है जनाब, और डाइट भी है कोक शुगर से बगैर, और बिरयानी बहुत ज़बरदस्त है, तो बच्चों को बुलाते हैं, आ जाओ जी बिरयानी टाइम करीब यूसुफ। तो इस बिरयानी की रेसिपी भी जनाब मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा इसका, ये भी मैंने बनाई हुई है पहले, बहुत ही मज़े किया है, आप ज़रूर इसको भी ट्राई करें। तो चलिए हम खाना खा लें, उसके बाद जो है वो आपसे फिर मिलेंगे। ये देखें यूसुफ को हमने रेत के अंदर बैरी कर दिया है, अगर सर्दी लगी हो तो ये बेस्ट ऑप्शन है, इसको ठंड लगी थी पानी जो है वो इतना ठंड गर्म नहीं है, तो रेत जो है रेत के अंदर इसको किया, अभी दफनाया है थोड़ी देर के लिए गर्म हो जाएगा। यूसुफ आर यू फीलिंग हॉट नाउ, वार्मर अलर्ट भैया, अरीफ जो है वो नींद करना चाहता जी, डर गया, चलो जी उठो उठो उठो। ये देखें ये बंदा 10 दिन तक रेत के अंदर दफन रहा है, फूल की तरह रखने लगे करते। चलो उठ जाओ यूसुफ साहब, अपने आपको झाड़ो, आप कैसे झाड़ते हैं ऐसे, कैसे करते थे? चलो समुंदर के अंदर डिप ले लो, अभी एक डिप लेके आओ, ज्यादा आगे नहीं जाना। अच्छा चलो जी बीच की तरफ से आप चलते हैं, थोड़ा सा प्लेजर बीच आपको दिखाते हैं, प्लेजर का वो जो हिस्सा है जहाँ पे झूले वगैरह लगे हुए हैं वो भी दिखाते हैं, एक वीडियो मैं सेपरेटली भी बनाऊंगा उसकी, जहाँ पे आपको सारे झूले भी दिखाएंगे। Thank you.
सारी इधर राइड्स लगी हुई जी, मेरे बच्चे छोटे हैं उनमें नहीं बैठेंगे, लेकिन आप देखिए पास भी जाएंगे उनके। ये सारे जुआ खाने हैं, ये अंदर सारे जुआ खेलने के लिए। यूसुफ साहब निशाना ले रहे हैं जी। ये जी इतने खूबसूरत नज़ारे के साथ जाने को दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन हम वापस जा रहे हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे इख्तिताम करेंगे। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि आपको बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत नज़ारे वाली वीडियो जो आपको वो हम दिखाते रहेंगे इस समर में, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपनी दुआ में हमें याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए।